एसएससी जीडी 10 जनवरी और 11 जनवरी की कट ऑफ के बारे में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना है और देखना है आपको कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वहाँ से लड़के, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 10 जनवरी वाले में, पहले देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे 10 जनवरी का पहले शिफ्ट का दोस्तों ओपन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 64% कैंडिडेट 55 से 60 के बीच में किए हैं, और 7% 40 से 50, और 30 से 40 6%, और 60 से 70 के बीच में 23% कैंडिडेट ने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट में चलते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में भी 55 से 60 के बीच में 64% 59%, और 60 से 70 के बीच में 18% कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह इधर चलते हैं थर्ड शिफ्ट में, तो थर्ड शिफ्ट में 49% 50 से 60, और 33% 60 से 70 के बीच में एवरेज करके आ रहे हैं बच्चे। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें जो फोर्थ शिफ्ट है तो थोड़ा सा इजी था, क्योंकि इसमें 52% लोग 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन करके आ रहे हैं, यानी ये वाला शिफ्ट इजी था, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़ा सा कम बढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी वालों के मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि बाकी का शिफ्ट टफ था। अब बात करें दोस्तों 11 की, तो 11 में आप लोग देख पा रहे हैं 50 से 60 64% है, 60 से 70 आपके 20% कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं 50 से 60 65%, 60 से 70 20%, और 40 से 50 10%, और 30 से 40 5%। और यहाँ थर्ड शिफ्ट में 50 से 60 68% है, और 60 से 70 17%, एवरेज वही चल रहा है अभी यहाँ भी। और यहाँ 50 60 68%, यानी जो 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख का पहले से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ से 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन करके आ रहे हैं ज़्यादा परसेंट लोग, ठीक है, 68% 68%, ठीक है। तो इससे कहें तो सीधी बात है कि देखो, फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो उनके थोड़ा सा पेपर ईजी था, यानी 10 तारीख वालों का ईजी था, और 11 तारीख वालों की बात करें पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि 50 से 60 के बीच में ही लोग करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोस्तों सेकेंड शिफ्ट जो 11 तारीख वाले हैं, इनके थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी जान के आपको कैसा लगा? और दोस्तों मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये एवरेज 50 से 60 के बीच में ही जाने वाली है, ठीक है, यानी OBC की, और 55 से 60 के बीच में मतलब जाएगी ये जनरल वालों की, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।